जिन्होंने कहर ढा दिया हिमाचल प्रदेश में भाई, वो बादल, लोगों के घर टूट रहे हैं, नदी इतने उफान पर आ गई हैं। हुआ है हफ्ते भर पहले वहां पर को लैंडस्लाइड हुआ है और बाकी नैनीताल शहर। हे गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो अलर्ट का तीसरा दिन है आज और झमाझम आज भी बारिश पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कहीं नैनीताल का हाल हिमाचल प्रदेश जैसा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश ने हिमाचल प्रदेश ने भाई कहर डाल रखा है वहाँ पर, वो स्थिति कहीं नैनीताल में ना होने लग जाए, लेट्स सी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, बाकी आज का माहौल कैसा हो रहा है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बारिश को पड़ते हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, हम घर से निकल पड़े हैं, अब नीचे मंडराएंगे पूरे शहर में क्या क्या मिलेगा बारिश में। घर वाले कहते हैं यार जैसे ही बारिश पड़ने लगी है वैसे ही निकले हो, उससे पहले मतलब बारिश में चैन नहीं है तुम्हें। इनका नहीं, चैन तो है ही नहीं, मज़े तो बारिश में आते हैं ना घूमने। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, फिलहाल 18 डिग्री के आसपास इस वक्त हो रहा है और शाम को ये जा रहा है 14 डिग्री के आसपास। बारिश में ना शहर एकदम खाली हो जाता है, जितने भी टूरिस्ट हैं सबके सब जितने भी निकल जाते हैं, मतलब कि यार शहर रुकना ही नहीं है। आधा लोग क्या होता है कि बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं हम फंस ना जाए, तो सारे के सारे निकल ही जाते हैं। क्या ठीक भी है उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यार हिल स्टेशन है, कुछ नहीं पता हिमाचल भाई क्या स्थिति हो रही है, सभी को पता है ब्यास नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। खैर फॉर्चुनेट ये है कि नैनीताल में ऐसी कोई नदी नहीं है, लेकिन नैनीताल की जिस तरीके की ज्योग्राफिकल स्थिति है ना भाई, नैनीताल शहर बहुत कमज़ोर शहर है। यहाँ के जितने भी पहाड़ है भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहाड़ नहीं है, यहाँ हल्की फुल्की बारिश में भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लैंडस्लाइड होते ही रहता है। बॉलीवुड की शुरुआत में आ गया हूँ, नैनीताल के वासी तो पता क्या बोल रहे हैं कि जो बादल थे ना, वो हिमाचल प्रदेश वाले बादल जिन्होंने कहर ढा दिया हिमाचल प्रदेश में भाई, वो बादल आ गए हैं नैनीताल। अब वो नैनीताल में ना कहर ढाने लग जाए यार, देखो ऐसी बातें सच नहीं होने चाहिए, छोटा सा शहर है यार भाई, हम कैसे जियेंगे। व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि हम आ रहे हैं नैनीताल यार, आए नहीं आए। देखो अभी दो चार दिन अवॉइड कर लो तो ठीक ही रहेगा। बहुत से व्यूवर्स आ भी रहे थे, वो कह रहे डरा क्यों रहे हो, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, जो प्रेजेंट की स्थिति है यहाँ पर वो दिखा रहा हूँ भाई, ऐसा ही हो रहा है शहर में। अगर आप हिम्मत रखते हो तो आ जाओ यार, कोई बात नहीं है। बाकी देखो ये लड़के फड़के लौंडे लवाडे तो मस्ती करते ही हैं भाई, ठंड हो कुछ हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, बारिश बहुत तेज़ होने लग गई है। चलो लेक साइड चलते हैं, फिर मॉल रोड घूमने चलेंगे यहाँ से। तो नैनीताल शहर में ना यार हल्का फुल्का लैंडस्लाइड का खतरा बना ही रहता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ इतने स्ट्रॉन्ग लिटरली है नहीं, सही बताऊँ तो। हल्की फुल्की बारिश में भी छोटी 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 जगहों में से, मतलब होता क्या है कि कभी से कोई पत्थर आ गया, कहीं कोई पहाड़ हल्का हल्का गिर गया, और ज़्यादा तेज़ बारिश किसी दिन हो गई तो यार फिर वही DSB रोड वाला, जो अभी बीच में मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पर को रोड टूट गई थी, वो अभी भी टूटी हुई, अभी तो इन बरसात में वो रिपेयर भी नहीं हो सकती है। अभी अगर और ज़्यादा लाइक हिमाचल प्रदेश जैसी बारिश जैसी हो रही है भाई यहाँ पर हो जाए, तो भाई नैनीताल का अस्तित्व सही में भाई सही में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं शहर, ये वैसे ही भाई अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा भारी है, ढो रहा है रेगुलर, जिस तरीके से टूरिस्ट आते हैं शहर में और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आने लग गए हैं। पता नहीं कोई लेक एक में होगा या बोटिंग है, वैसे होती नहीं है, ऐसे में थोड़ा डर हो जाता है। देखो लोग सब प्रोटेक्शन के साथ तिरपाल पर, जल्दी से मैं क्रॉस कर लूँ क्योंकि ये बांध रहे होंगे, कुछ लोग इधर भी खड़े हुए हैं, बारिश तेज़ है। तो खैर ऐसे में बोटिंग एक आध बोट तो दिख रही है, लेकिन ऐसी बारिश में ठीक नहीं रहता यार, वैसे बारिश में बोटिंग करने में मज़े भी नहीं आते और करनी भी नहीं चाहिए, सही बताऊँ तो। क्या मज़े आएंगे यार बोटिंग में, मज़े आते हैं जब खुला आसमान हो, नीला अंबर हो। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ब्यास नदी ने कहर ढा रखा है ना, खैर नैनीताल में तो ऐसी कोई नदी है नहीं चलो, लेकिन यहाँ पर क्या ख़तरा हो सकता है, जैसे ये है, ये यहाँ की लेक है, लेक से कोई वैसा ख़तरा तो है नहीं शहर को। बीच में क्या हुआ था 3-4 साल पहले, जो लेक ओवरफ्लो हो गई थी उससे कोई ज़्यादा वैसा ख़तरा नहीं हुआ था, हाँ लेकिन जो तल्लीताल वाला एरिया है वहाँ पर से लेक का पानी मतलब घरों में घुसा, ऐसा एक कुछ लोगों के घरों में घुस गया था, लेकिन फॉर्चुनेट ये रहा कि समय रहते डाट खोल लिए गए थे एक टाइम बाद, तो लेवल सही आ गया था। बट यहाँ पर ख़तरा होता है जो ये पीछे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना मेरे, ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों में से जो पानी आता है, बारिश पड़ रही है अभी, बारिश नाले बनाए गए हैं, एक पीछे ही नाला दिख रहा है, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से नाले बने हुए हैं यहाँ पर, अगर ये नाले बहुत ज़्यादा उफान पर आ जाएँ तो ये अपने साथ मिट्टी बहुत सारी लेकर आते हैं, मतलब पहाड़ों में से आ रही है, उसका ख़तरा होता है लैंडस्लाइड का, मेन ये पहाड़ टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अब नैनीताल शहर में सारे जितने भी घर बने हुए हैं इन पहाड़ों पे ही बने हुए हैं, मेरा भी घर एक पहाड़ में ही है,
तो यार यहाँ से खतरा रहता है लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना इस शहर पर भाई कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई नैनीताल शहर पर माँ नैनी देवी की कृपा बनी हुई है। इतना नाजुक होने के बावजूद भी भाई इस शहर में ऐसी कोई घटना नहीं होती और ना ही होगी। मैया का आशीर्वाद इस शहर में है। अभी मैं वो हिमाचल वाली न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर है, इतनी भयानक बाढ़ आई हुई है, लेकिन वो मंदिर भाई अपने स्थान पर ही है। बाकी सब लोगों के देख रहा था कि यार हाँ बड़े ही कि लोगों के घर टूट रहे हैं, नदी इतने उफान पर आ गई है ब्यास नदी, लेकिन वो मंदिर वहीं पर है। ये तो कृपा होती है, ऐसे ही नैनीताल शहर पर माँ नैना देवी की कृपा है। जिन लोगों को नैनीताल शहर आना है वो टूरिस्ट ऐसे मौसम में भी आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया है इस बीच, तो ठीक है समझदारी का काम करा है भाई। ऐसे में आना अपनी देखो जान जोखिम में डाल के क्यों आना है हिल स्टेशन यार, जान रही तो जान है, कहते हैं ना जान है तो जान है, तो आने वाले दिनों भी आ सकते हो, ऐसी बारिश में क्या इंजॉय करोगे। और जो लोग आ भी रहे हैं ऐसी बारिश में भाई कहीं लिटरली नहीं घूम सकते हो आप, कहीं भी इस शहर के कहाँ घूमोगे, सब जगह बादल लगे हुए हैं, कोहरे में कुछ व्यूज़ भी नहीं दिखोगे। नैनीताल शहर क्यों आ रहे हो, पहाड़ देखने आ रहे हो, पहाड़ी नहीं दिखेंगे चारों तरफ कोहरा दिखेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे में। यार छाता खोलो यार, मैं जोश में छाता बंद कर दिया था, भीग जाऊंगा नहीं तो। चलो मॉल रोड का चलते हैं, वहाँ का मॉल भी देखें। खैर मॉल तो पूरे शहर का ही पता लग रहा है कैसा हो रहा है, टूरिस्ट घूमने वाले घूम ही रहे हैं यार, सही बताएं। कुछ लोग ऐसे ठंडे में भी भाई बिना छातों के घूम रहे हैं, ठीक है घूमने वाले तो भाई जिन्हें मस्ती करना है वो करेंगे ही किसी को नहीं रोक सकते हो वैसे। अरे जो कल बारिश पड़ रही थी ना वो भयानक बारिश थी यार, उस बारिश ने डरा रखा था यार, दिन रात मतलब बेचैन जैसे हो रखे थे सब लोग भाई कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि कल तो कंटिन्यूस बड़ी भयानक वाली बारिश पड़ी है यार, सारे जितने भी थे सब डर गए थे। आज बारिश पड़ रही है लेकिन ऐसी कंटिन्यूस वाली बारिश नहीं पड़ रही कि भाई घबरा जाएं और कुछ हो जाए यहाँ पर, लेकिन ठीक ही है वैसे कल वाली बारिश नहीं पड़नी चाहिए यार। फिलहाल अभी कुछ कह भी नहीं सकते हो, अब बारिश शुरू हुई है, एक डेढ़ घंटा तो हो गया है, अब ये ऐसे ही पड़ते रहते हो ठीक है। शहर में आज टूरिज्म की बात करें ना, टूरिस्ट बहुत कम है शहर में आज तो, खैर नाम मात्र के ही टूरिस्ट है, इतना ज़्यादा है नहीं। जो लोग आए हुए हैं बस वो भी क्या है, जितने लोग होंगे होटल में रुके हुए होंगे, घूम तो बहुत ही कम रहे हैं। ऐसे में क्या है कि होटल रेट्स थोड़े कम हो गए, अब तो खैर होटल रेट्स कम ही हो गए हैं, सीज़न नैनीताल से लगभग लगभग जा चुका है, फिनिश हो गया है सीज़न। अगर आप 15 या 20 तारीख के बाद शहर में आते हो तो आ जाना, तो होटल रेट बहुत कम मिलेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बारिश मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, देखो अभी 20 या 30 तारीख तक बारिश बता रखी है, सही बताऊं तो यार 30 तारीख तक तो मान के चलो नैनीताल शहर में भाई यहाँ बारिश मिलने वाली है। फिर यहाँ पर सावन पूरा बरस ही रहा है, फिर भादो भी बरसेगा, यहाँ तो हिल स्टेशन है भाई, बारिश तो मिलेगी ही। जैसा अभी हो रहा है मुझे तो वैसा माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है यार शहर का, सही बताऊं तो यार, क्योंकि देखो भीड़ होती नहीं है ना, चें पे गाड़ियों की, बस आप होते हो शांति और नैनीताल, तो ऐसे में टूरिस्ट भी कम आते हैं। जो लोग शांति प्रिय पसंद लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाता है कि यार हाँ हम यही तो चाह रहे थे, क्लोज टू नेचर। इस वक्त नैनीताल का माहौल अकल्पनीय टाइप हो जाता है, थोड़ी बहुत शुद्ध हिंदी भी यूज़ कर ले रहा हूँ झेल लेना यार, लेकिन हाँ भाई इस वक्त ना बहुत बढ़िया माहौल रहता है शहर का यार। तो एक बड़ी खूबसूरत सी जगह आ गया हूँ मैं मॉल रोड में, व्यू पॉइंट नाम से है। तो यहाँ से ये दो एक एपड़ बना हुआ है, एक जगह दिल बना हुआ है, तो यहाँ से ही बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा। लोग अमूमन क्या करते हैं इसके और इसके बगल में वही फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। चलो मछलियों के क्या हाल है, मछलियाँ ठीक हैं हालचाल सब, ठंडा ठंडा तो नहीं लग रहा होगा इन्हें, पता नहीं यार ठंडा लग रहा होगा या कुछ नहीं लग रहा होगा। अगर मैं लैंडस्लाइड की बात करता हूँ तो देखो सामने सफ़ेद घर दिख रहा है, बहुत साल पहले, वो तो 20 साल हो गए उस बात को, ये पूरा एरिया धड़ 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 नीचे आ गया था, सारा का सारा आ गया था यार, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी शहर के अंदर। और रिसेंटली 2-3 साल पहले ये सफ़ेद घर, यहाँ से देखो ये मंदिर के ठीक बगल में दिख रहा है ना पूरा पैच, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था, ये अभी 2-3 साल पहले की बात है। फिर इस पहाड़ के पीछे जो अभी हुआ है हफ्ते भर पहले, वहाँ पर को लैंडस्लाइड हुआ है। और बाकी नैनीताल शहर के अंदर तो भाई बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हर हफ्ता या 15-20 दिन में कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें होते रहती हैं। शहर की ऐसी स्थिति रहती है तो भाई यहाँ तो रहना बड़ा ही मतलब डेंजर है, ख़तरों से खाली नहीं है बारिश में, खासकर नैनीताल शहर या कोई भी हिली एरिया यार थोड़ा डेंजर तो हो ही जाता है। हिमाचल में क्या स्थिति हो रखी है, नैनीताल की स्थिति भी हल्की फुल्की वैसी ही है, कहीं ना कहीं हल्का हल्का लैंडस्लाइड होते ही रहता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना ज़रूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा शुभ।